हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से, जो कि कर रहे हैं सहरी। और सहरी क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सहरी में बिरयानी, जो कि मैंने बनाई थी बिरयानी। अब सहरी में हम खा रहे हैं बिरयानी। देखिए सहरी में बिरयानी चल रही है, चलो लेके जाएं जल्दी से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम सुबह उठ गए थे, सारे काम कर लिए। आज मासी नहीं आई क्योंकि आज सबकी छुट्टी है, तो उन्होंने भी कहा हम भी छुट्टी करेंगे। तो ठीक है भाई, सारे काम करने के बाद फारिग होकर हम मटर छिल रहे हैं, और मेरे साथ छिलवा रही है कौन, नीरव। नीरव मम्मा के क्या करती हैं, काम मम्मा के साथ काम करवाती हैं। बेटे नहीं करवाते काम? क्यों, मैं अपनी मम्मा से काम ही नहीं कराती। बेटे करवाते हैं या बेटियां करवाती हैं काम? लट्टे ना, लट्टे तो कुछ भी नहीं करते ना। लट्टे क्या खेलने चले जाते हैं। रोजे में खेलने चले गए बासिल और बच्चे खेल खेलते क्या, मम्मा काम कराते हैं, किसी से भी करते, बस अपनी बेटियां करती हैं ना। बेटियां करती हैं? हाँ तो बेटियां अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अभी पापा के पाँव में वैसलीन भी लगाई है। पापा के पाँव गंदे हो रहे थे, तो दुपट्टा गीला करके पापा के पाँव साफ करे, फिर साफ नहीं हुए, साफ ही नहीं होते पापा के पाँव। तो पापा को आप बोलो, पापा खुद जाके धो लेंगे ना अपने पाँव। अभी तो धोते भी नहीं आए, कब से कह रही हूँ धोलो 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 धोलो। आपने साफ कर दिया दुपट्टे से? हाँ। वैसलीन लगा दी? वैसलीन लगाई है अभी अभी। अब क्या कर रही है? सब खत्म हो गए मटर, अब हम बना रहे हैं मटर कीमा। और जो है मैं नहीं खाती। अब तारी नहीं करोगी आप? तारी करूंगी मैं। नहीं खा आपने? आप रोजे में उठी नहीं थी, हम लोगों ने सहरी करी थी। सहरी? मैं तो उठी हुई थी। उठी हुई थी खाबों में? उठी हुई थी आप खाब में रोजे का। अब मैं जा रही हूँ शरबत बनाने, ठीक है, फिर खाना बनाऊंगी, फिर मिलते हैं बाद में मगरिब के टाइम पर। जी फ्रेंड्स, तो जो है रोज़ा अफ्तार कर लिया, अफ्तार करने के बाद खाना भी खा लिया। रोज़ा मेरा था, इसका भी था और हाशिर का भी था। और जो है हमने अफ्तार करने के बाद हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि सिस्टर्स कल से आएंगी वहाँ पर, मैं नहीं गई, तो वो हलवे शलवे लाएंगे, तो हमने तो बनाया नहीं, हम उनका हलवा चक्कर आते हैं और खा कर आते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं मीरब का। क्या ले रही हो? चेक करो पहले, बड़ा नहीं लग रहा। मूली कौन सी फिशेज है? मूली है, बासी का ग्रे, मीरब का रेड। मीरब तुम्हारा भी लेना, क्या पहन के जाओगी? पैंट पहन के जाओगी स्कूल? पैंट नहीं, शर्ट बड़ी हो रही है। कौन से शूज ले रही हो? तो भैया स्कूल के लिए वो वाले नहीं चाहिए, ये वाले लेने, ये वाले पहनोगे? ये वाले नहीं चलेंगे स्कूल में, ये चलेंगे, देखो ये वाले, ये वाले पहनाएंगे ना, ये वाले। क्वालिटी सही है ना वो? जी तुम्हारा हो गया भाई, मेरा भी चक्कर में लगा चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चों को स्कूल के शूज़ दिलाने आए कि अपने शूज़ लेने आए। आपने ले लिए? आपने ले लिए स्कूल के शूज़? आपको वाले भी चाहिए? वो भी चाहिए, ये सही है जो आपने आया है। अकड़ बकड़ मम्मे मच्छर काट दिया है मीरब, अपने छोटे छोटे सारे कपड़े ले आई है, किसके लिए लाई हो मीरब? लाई हुई है।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम आ गए घर पर क्योंकि हम गए थे मीरब का यूनिफॉर्म लेने के लिए स्कूल का। और मीरब का यूनिफॉर्म पैंट है, ड्रेस पैंट और टी शर्ट है उनकी, ना जैसे कॉलर वाली टी शर्ट होती है वो है, और रेड पैंट है और ब्लू टी शर्ट है। तो जो है जब वो पहनेंगी और वो बहुत प्यारी लगेंगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जो है क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म और शूज़ वूज़ ले लिए हम लोगों ने सब। लेने के बाद फिर हम गए अम्मी के घर थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टर आई हुई थी वहाँ, उनके साथ थोड़ा सा मिलना था, हलवा वलवा लेकर आई थी, तो वो थोड़ा सा हलवा खाया मैंने वहाँ से चने की दाल का। और फिर हम वहाँ से आ गए घर पर, और जो है इतनी महंगाई हो गई है, इससे ज़्यादा जो स्कूल के शूज़ होते हैं बाटा के वो 1800 के, 1800 के सिर्फ स्कूल के शूज़ आ रहे हैं बच्चों के। तो आप सोचें कि कितनी महंगाई हो गई है। पहले के दौर में हमारी जब मम्मी और हम लोग स्कूल के 250-300 के शूज़ लेते थे और वो स्कूल पहन के जाते थे। आपके बच्चों की जो क्या कर रहे हो सोफे के कवर में मीरा, सोफे के कवर में, कवर में, कवर में। चलो जल्दी से बाहर निकलो और जल्दी से रूम में जाओ, फौरन फौरन। बच्चों ने बहुत तंग करा, बच्चों को पहले भगाया है, फिर मैंने ब्लॉग दोबारा स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, तो शोर में जो है आवाज़ बड़ी ख़राब आती है। तो मैं कह रही थी कि फिर हम अम्मी के घर गए, फिर अम्मी के घर से हम आ गए और शूज़ का बता रही थी और जो है इतनी महंगाई का बता रही थी कि बच्चों के भी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले के जैसे भी हमको मिल जाते थे शूज़ वूज़ वो हम पहन के चले जाते थे, लेकिन आपको सॉफ्ट चाहिए, अच्छे चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। तो ये हो गया है बच्चों के अंदर, बड़े नखरे हो गए हैं क्योंकि जिस एरिया में सोसाइटी में इंसान रहता है ना, फिर वो दूसरे बच्चों को देख के कैच करता है कि वो उसने वैसा ड्रेस लिया हुआ था या उसने वैसे शूज़ पहने हुए थे, वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था क्योंकि जहाँ हम एरिया में रहते थे वहाँ हम जैसे ही सब थे और हम एक जैसे ही थे, तो हम जैसे पहनते थे वैसे सब पहनते थे, और ना भी पहनते थे तो हम लोगों को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्योंकि अब के बच्चों को एक तो सोशल मीडिया ने और दूसरा टीवी ने इतना एडवांस कर दिया है कि हर चीज़ पता होती है। और दूसरा ये कि आप लोग सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मसला है, क्या माजरा है, सो दो साल से आप कल कब्रिस्तान गई थी, उनकी वालदा थी, तो इसके लिए हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको सबको समझा देंगे कि क्या मसला था और क्या नहीं था। क्योंकि जो है कल तो जाना ज़रूरी था, और फिर इसलिए हम, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है, आप लोग से हम लोग क्या छुपा सकते हैं, आप लोगों से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारी जो लाइफ है, हम जैसे रह रहे हैं, हमारे साथ जो है सब आपके सामने हैं। बस ये एक जो बात थी वो कि आप लोगों को नहीं पता थी, तो वो मैं हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द इस व्लॉग को बताएंगे। और आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं आप मुझे सब क्वेश्चंस कर दें, मैं आप सबके एक साथ ही जवाब दूंगी, सबके मैसेजेस के रिप्लाई करूंगी। और जो है सेकंड ये कि अब मीरा भी स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीक, और इंशाल्लाह वो देखेंगे आप लोग भी व्लॉग में कि कैसी लग रही हैं और मीरा का क्या रिएक्शन होता है स्कूल जाने के बाद। खैर फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और व्लॉग अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।